ऊना के गुलाबगंज इलाके में ट्रेन से कटकर मां की मौत हो गई, बेटे ने भी दम तोड़ दिया। महिला अपनी ननंद से मिलने आई थी, बेटा भी उसके साथ था। सुबह 11 बजे पटरियां क्रॉस करते समय ट्रेन आ गई, इसी दौरान महिला उसकी चपेट में आ गई। महिला ने अपने 3 साल के बच्चे को बचाने के लिए फेंक दिया, वह गिट्टी पर गिरा, इससे उसके सिर में भी गंभीर चोट आई है। बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंची, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरवनखेड़ी की रहने वाली मंजू ओझा अपने 3 साल के बेटे रामलखन के साथ शादी में शामिल होने आई थी, उसी की नंदन भी गुना में ही रहती थी, जिससे मिलने के लिए वह जा रही थी। जी बताइए, ये घटनाक्रम क्या हुआ है? मेरे साले थे मुझसे मिलने आ रहे थे, पटरी क्रॉस करने में पाँव गिर गया तो बच्चे को फेंक दिया, और उसके बाद में ट्रेन उनको पाँव पे चढ़ गई तो कट गई। कौन थी वो? तो मेरे संग सारे भाऊ थे, और तो वो कट गए तो उन्हें मैं लेके आया हॉस्पिटल ले आया तो एक्सपायरी डेट हो गया। बच्चा भी था? बच्चा था साथ में, 4 साल का। वो भी खत्म, वो हॉस्पिटल में आके खत्म हुआ है। तो पटरी क्रॉस करके कहाँ जा रही थी वो? मेरे पास आ रहे थे मिलने के लिए। कौन सी कॉलोनी? 84 कॉलोनी गुलाबगंज 84 कॉलोनी मिलने आ रहे थे मुझसे। तो शादी समारोह में था? शादी समारोह था बूढ़े बालाजी, तो वहाँ से वो मुझसे मिलने आए थे। अच्छा, तो वो रास्ते में जो हादसा हो गया। तो बताया जा रहा 2 ट्रेनें यहाँ साथ में आ रही थी। हाँ, 2-1 तो निकल गई थी, एक दूसरी आने वाली थी इससे पहले, वो उसमें उसकी चपेट में आ गई। बच्चे की उम्र कितनी होगी? उस बच्चे की उम्र थी 4 साल। और इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र थी 28 साल। दोनों खत्म हो गए? दोनों खत्म हो गए।